एसईओ प्रोजेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर जो है, अगर आप एसईओ के अंदर काम करना चाहते हैं और अपना नॉलेज बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक मास्टर ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं जो मैं और मेरी टीम जो है वो फॉलो करते हैं। तो चलिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब तक हमारा जो थ्योरेटिकल बोरिंग पार्ट होता है एसईओ का, वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करने के लिए यहां पर मैं हमारा ही एक नई वेबसाइट हमने लॉन्च करी है, और उस वेबसाइट पे अभी तक एसईओ का हमने एसबी स्टार्ट नहीं करा है, और उसी प्रोजेक्ट को लेकर जो है कंप्लीट इस कोर्स के साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके जो है हम नंबर वन पे लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो पूरा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, वो होता है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। बेसिकली रिक्वायरमेंट कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके पास आया एक वेबसाइट लेकर कि मुझे ये मेरी वेबसाइट है, अब मुझे इस वेबसाइट को जो है एसईओ करवाना है, तो आपको क्या सवाल पूछने हैं एज अ आप सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से। तो क्लाइंट से जो आपको रिक्वायरमेंट पूछनी है वो सिंपली पूछनी है कि आपको ये जो वेबसाइट है वो किस लेवल तक जो है वो रैंक करवानी है। लाइक आपको जो है सिटी में रैंक करवानी है, आपको स्टेट में रैंक करवानी है, आपको इंडिया के अंदर रैंक करवानी है, आपको किस कंट्री के अंदर रैंक करवानी है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर रैंक करवानी है। तो बेसिकली ये कुछ आपके पैरामीटर्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है सिर्फ एक सिटी के लिए करेंगे तो उसके कीवर्ड्स अलग होंगे, अगर एक स्टेट के लिए करेंगे उसके कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, एक कंट्री के लिए करेंगे उसके कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, एंड पूरे अक्रॉस द ग्लोब करना चाहते हैं, उसको टॉप पे लाना चाहते हैं, तो उसके कीवर्ड जो है वो आपकी जो टेक्निक्स हैं वो वेरी करेंगी। तो इसलिए पहले जो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड, जिसको हम कह सकते हैं करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जब आपने एसईओ नहीं करा है तो उस वक्त, या कहीं और से एसईओ किया हुआ, तो अभी करंट जो वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो कहां पर है, क्योंकि लेटर ऑन अगर आपने एक महीना दो महीने स्पेंड कर दिया, उसके बाद क्लाइंट को आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने अभी उस पर क्या किया और किस लेवल पर लेकर आए। सो बेसिकली ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको अभी करंट जो उसका एक परफॉर्मेंस है वो आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा, राइट। उसका आपको पहले से एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट बना के क्लाइंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो स्टेप है, अब जिस भी कैटेगरी की वो वेबसाइट है डेफिनेटली उसके कंपटीटर्स भी होंगे, राइट। अगर हमें अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है तो हमें हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं उस फील्ड में, उन्होंने किस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, किस तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि थर्ड स्टेप इज टू आपका जो भी कंपटीटर्स है उनको एनालाइज करना, कंपटीटर एनालिसिस आप इसको कह सकते हैं। तो अपने कंपटीटर को आपने पहले जानना है कि किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करा, क्या क्या कीवर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे और जिसके ऊपर में हम अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसको टॉप पे ला सकते हैं, और उसके ऊपर में कितना सर्च वॉल्यूम वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं कवर करने के लिए। सो ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है, अब आपको कंपटीटर्स का भी पता चल गया, अब आपको पता है कि व्हाट यू हैव टू सर्च, अब आप फाइनली डिसाइड करेंगे जिसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको काफी डिटेल के अंदर समझना इंपॉर्टेंट है, और काफी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम चीजों को कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए। और कीवर्ड्स में भी कितने कीवर्ड्स, लाइक 10 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स, 2 कीवर्ड्स, कितने, जितने भी आपको कीवर्ड्स के ऊपर में आप वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं उतने कीवर्ड्स आपको उनकी हर डिटेल जो है वो निकालनी पड़ेगी। डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे उसके ऊपर ही बढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पांचवा स्टेप होता है नाउ स्टार्ट द एसईओ। अब स्टार्ट द एसईओ का कहने का मतलब है ऑन पेज एसईओ करो, ऑफ पेज एसईओ करो, टेक्निकल एसईओ करो। तीनों जो भी एसईओ के आपके टेक्निक्स हैं, फैक्टर्स हैं, सभी के ऊपर में आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। और फाइनली जो सिक्स्थ स्टेप आता है दैट टू डेटा एनालिसिस।
सो बेसिकली आपको क्या करना, जो भी डेटा है एक महीने के बाद में, दो महीने के बाद में, आपको कंटिन्यू अगर उस वेबसाइट को नंबर वन पे लेके आ रहे हो, तो जो आपने टास्क परफॉर्म करे हैं, जो भी आपने एसईओ की टेक्निक्स करी हैं, वो कितनी सक्षम हो रही हैं, तो उसके लिए जो भी आपके पास में एनालिटिक्स के अंदर जो डेटा आ रहा है, आपने उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें जो है चेंजेस करके अपनी टेक्निक्स के अंदर, उसमें जो पैरामीटर्स हमने इंप्लीमेंट करे, राइट, जो भी फैक्टर्स पे हमने काम करा उन पे चेंजेस करके फिर हम उस वेबसाइट को नंबर वन तक लेकर आते हैं। बिकॉज एसईओ एक ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आपने नंबर वन पे लेकर आ गए, नाउ यू आर दी नंबर वन, अब हाथ पीछे करो और खड़े हो जाओ, नाउ वी आर एट नंबर वन, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको कंटिन्यू, अगर आप नंबर वन पे बने रहना चाहते हो, टॉप पे बने रहना चाहते हो, टॉप फाइव के अंदर रहना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यू अपने एसईओ के ऊपर में काम करते रहना पड़ेगा, उसको एनालाइज करते रहना पड़ेगा, बिकॉज एल्गोरिदम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, एंड नंबर वन पे दूसरी वेबसाइट्स भी बहुत जल्दी आ सकती हैं। अगर आप भी टॉप फाइव में बने रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंटिन्यू उसके ऊपर में काम करते रहना पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसे छह स्टेप हैं जिसके ऊपर में आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको ये छह स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इसको कहता हूं एसईओ प्रोजेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट। आई होप गाइस कि ये पूरे छह स्टेप्स जो हैं आपको पसंद आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल की तरफ में, एंड अगर आप भी जो है अपने करियर को एसईओ की तरफ में लेके जाना चाहते हैं, बेसिक से एक्सपर्ट तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं तो यहां पर इस चैनल के ऊपर में आपको वो सारे वीडियोस वन बाय वन करके डेली बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं। फिर मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।